फ्रेंड्स, यदि आप अपने स्टूडेंट का फीस डिटेल को एक्सेल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो भी एडवांस तरीके से, तो आप काफ़ी एडवांस तरीके से इस शीट के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 टाइप करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और जैसे ही एंटर करते हैं आपको यहाँ पर नेम आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट का नेम है, जो कोर्स है, डेट वगैरह टुडे का आ जाएगा क्योंकि आज फीस रिसीव कर रहे हैं। साथ में उस स्टूडेंट का बैक रिपोर्ट आ जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम क्या है, कितना फीस रिसीव हुआ है, कितना पेंडिंग है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, साथ में पिक्चर आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप रिसीव पे क्लिक करेंगे, आपका फीस स्टूडेंट फीस डिटेल पे भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं सिंगल सिंगल स्टूडेंट का पूरा रिपोर्ट चेक करना, तो रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और रोल नंबर टाइप करके आप जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का फोटो के साथ में जब जब भी वो पैसा जमा करवाया है, जितना जितना पैसा जमा करवाया है, रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शीट है, यह आपके फीस रिकॉर्ड को और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करेगा। जैसे ही फीस आप रिसीव करेंगे वैसे ही आपका डिटेल शो हो जाएगा स्टूडेंट का, साथ में आप यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे सी टेक चैनल में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको फुल प्रोसेस बताता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा टाइप है, सिर्फ डेटा टाइप है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं लगाया गया, नॉर्मल डेटा टाइप है जो काफ़ी ईजी होता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट फीस डिटेल है, जो भी सिर्फ यहाँ पर डिटेल टाइप है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको चाहे तो डिलीट कर देते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में भी नॉर्मल डेटा इस तरह से टाइप है, इसमें भी कुछ एडवांस फार्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ डेटा टाइप है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं शीट को। ठीक है, यहाँ पर वर्कशीट ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, और शीट नेम दे देते हैं फीस रिकॉर्ड, या फिर रीनेम कर देते हैं, फीस दे देते हैं सिर्फ। ओके, एंटर कर लेते हैं और इसमें हम फ्रेंड्स इसको जूम कर लेते हैं, व्यू पे जाते हैं और पेज लेआउट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम डिटेल टाइप करते हैं, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर डिटेल टाइप करते हैं, जैसे चलिए ऊपर से 2 सेल छोड़ देते हैं, एक दो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक कॉलम को छोड़ देते हैं, फिर से नीचे वाले भी टाइप करते हैं स्टूडेंट नेम, उसके बाद में यहाँ पर हम टाइप करते हैं कोर्स, कोर्स फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, उसके बाद में डेट टू। अब यहाँ से हम एक कॉलम को भी छोटा कर लेते हैं, इस तरह से छोड़ देते हैं, और इसमें हम टाइप करते हैं डिटेल, या फिर इतना ही रख लेते हैं इसको, जो भी बीच में गैप है इसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी साइज को कम कर देते हैं इतना। इस साइड में फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा गैप को कम कर देते हैं और ऊपर इस तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, या इंसर्ट कर लेते हैं ऊपर एक और इसको भी यहाँ से इतना गैप डिजाइन के लिए देते हैं, सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं, होम पे जाके मर्ज कर देते हैं। इसमें हम टाइप कर देते हैं जो भी सेंटर नेम वगैरह, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं हेडिंग, तो मैं टाइप कर देते हैं सी टेक कंप्यूटर एजुकेशन, आउटलाइनिंग यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, सभी को सिलेक्ट करके फ्रेंड्स जो भी डेटा यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद में राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चले जाते हैं और यहाँ से फिल पे जाते हैं, और जो भी आपको फिल इफेक्ट पे जाकर जैसा भी कलर आपको फिल इफेक्ट देना है, सिंगल कलर इस तरह से, तो मैं ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके दे, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर देता हूँ। हो गया, इस तरह से सिलेक्ट करके आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। इस साइड में सभी को सिलेक्ट करके जो कलर आप देना चाहते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चले जाइए, फिल पे जाकर फिल इफेक्ट, और इसका कलर को मैं सिर्फ ग्रीन बदल देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ओके ओके, तो ग्रीन हो गया। सभी को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को वाइट एंड बोल्ड ऐसे भी बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना चाहिए, सिलेक्ट कर लेते हैं से, ठीक है, ये हो गया। उसके नीचे फ्रेंड्स इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं शेप्स, और शेप्स ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इसे, होम पे जाकर सेंटर कर लेते हैं इसको, और
और इसमें फिल कर देते हैं ग्रीन और बोल्ड कर देते हैं आउटसाइड इसको, ठीक है सब कुछ। चाहे तो आउटसाइड बॉर्डर को भी, चाहे तो इसको इफेक्ट देना, इफेक्ट दे सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर को हम यहाँ से कर लेते हैं नो आउटलाइनिंग। इफेक्टिव बनाना था, अब यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से इफेक्टिव कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करके या फिर फॉर्मेट जाकर इसको ऐसे कलर फिल कर सकते हैं, या फिर इफेक्टिव बनाकर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इतना हो गया। अब इस साइड में हम रिपोर्ट के लिए बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसको साइज को कम कर देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पर हम इससे भी थोड़ा सा पहले इसको डिटेल टाइप कर लेते हैं। तो डिटेल टाइप करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद में नेम, स्टूडेंट नेम रहेगा, आपको फुल टाइप करना है तो स्टूडेंट नेम टाइप कर लीजिए। टोटल रिसीव फीस, टोटल रिसीव फीस थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। पेंडिंग फीस और यहाँ पर टोटल मंथ, और यहाँ फ्रेंड्स कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, और यहाँ से हम इसका साइज को कम कर लेते हैं। अब इस साइड में फ्रेंड्स हम फार्मूले लगाएंगे, तो साइज को थोड़ा सा इतना बड़ा रख लेते हैं, बहुत है। और सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, व्यू पे जाकर इसको हटाए देते हैं, ग्रिड को हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और होम पे जाकर मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर टाइप कर देते हैं रिपोर्ट, सेंटर कर लेंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट बैक रिपोर्ट शो करेगा, कंट्रोल एस। उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर दो सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर तीन को सिलेक्ट कर लेते हैं, दो बहुत है, दो को सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। इसमें हम पिक्चर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम आउटसाइड बॉर्डर देते हैं, फोटो लगाने का काम आ जाएगा, थोड़ा सा इसको कम कर, हमें फ़ोटो शो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सीट डिज़ाइन था बेसिक फिस्ट कोड का, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं फार्मूले लगाते हैं। फार्मूले लगाने के लिए फ्रेंड्स हम रजिस्ट्रेशन वाले सीट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं फार्मूला पर डिफाइन नेम, और इसको नेम देते हैं लिस्ट, और यहाँ से ओके कर देते हैं, और इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, या फिर आप पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका नेम देते हैं डाटा, और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फीस वाले रिकॉर्ड पर। यहाँ पर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन बना लें या फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। तो जाता हूँ डाटा पे, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू जगह पर चलता हूँ लिस्ट इजिकल टू, यहाँ पर बराबर टाइप करके लिस्ट टाइप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, ओके। उसका फ्रेंड्स स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम के लिए देखते हैं स्टूडेंट नेम कितने नंबर कॉलम पे है, तो 1, 2, 3 नंबर कॉलम पे है, तो हम यहाँ पर वी लुकअप इजी फार्मूला लगा देते हैं, इजिकल टू वी लुकअप, यहाँ इसमें वाइट आ रहा है तो पहले हम ब्लैक कर लेते हैं, फिर हम बाद में वाइट कर लेंगे। टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, कॉमा टेबल एरिया जो अभी हम डाटा नेम दिए थे टेबल का, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो राहुल सिंह नाम आ गया। उसके बाद में सबको हम यहाँ से ब्लैक देते हैं, बाद में वाइट कर लेंगे करना होगा तो, ब्लैक देते हैं, ठीक है। कोर्स कितने नंबर पे है देख लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे कोर्स है, तो क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं, इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी इसके प्रेस कर लेते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर देते हैं, और जहाँ 3 नंबर कॉलम है वहाँ 5 नंबर करके एंटर कर देते हैं, कोर्स आ गया 2 नंबर रोल BCC, बिल्कुल सही है। अब क्या है इसमें रिकॉर्ड देखना है हमें, तो फीस रिसीव हमें मैनुअली टाइप करना होगा, और डेट का फार्मूला हम लगा लेते हैं, तो इजिकल टू टूडे लगा देते हैं, टूडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंटर, तो यहाँ पर टुडे का डेट
आ गया, ठीक है। अब लॉन्ग डेट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग डेट भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। टाइम के साथ करना चाहते टाइम के साथ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम शॉर्ट डेट रहने देते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स इतना वीलुकअप का फार्मूला लग गया। अब जैसे हम रिसीव पे क्लिक करें तो जो भी डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। तो चलिए हम फीस वाले शीट पे चलते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। उससे पहले हमें डेवलपर पे जाना है, आप ध्यान रखिएगा डेवलपर पे जाना है। डेवलपर यदि आपका ऑन नहीं है तो आप फाइल पे जाकर, ऑप्शन पे जाकर, यहाँ से कस्टमाइज रिबन पे जाकर, डेवलपर पे जाकर ओके कर लीजिए, ऑन हो जाएगा। जैसे ही डेवलपर आएगा आप रिकॉर्ड माइक्रो पे जाइए, माइक्रो पे जाकर यहाँ पर माइक्रो नेम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ रिकॉर्ड, अब कुछ भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब रिकॉर्डिंग फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया। जो जो भी आप काम करेंगे जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल से सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जो डेटा को रिकॉर्ड करके दूसरे शीट पर ले जाना है। सेलेक्ट कर लिए हमने, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें जाना है स्टूडेंट फीस डिटेल वाले शीट पे, कहीं भी इस तरह से क्लिक करना है, कंट्रोल एरो डाउन यूज करना है, फिर कंट्रोल एरो से लेफ्ट में आ जाना है बिल्कुल, और कंट्रोल एरो से बिल्कुल ऊपर आ जाना है। हम ऊपर आ गए, उसके बाद में यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करना है, वन एरो नीचे आ जाना है, और उसके बाद में यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल आल्ट और वी, स्पेशल पेस्ट या पेस्ट स्पेशल बोल सकते हैं। उसके बाद में वैल्यू पे सेलेक्ट कीजिए और ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करके ट्रांसपोज पे और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद में फ्रेंड्स आप कहीं भी एक जगह पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर दीजिए, इस तरह से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में होम पे जाके और यहाँ से आल बॉर्डर दे दीजिए, जिससे बार बार बॉर्डर लगता रहे। उसके बाद फ्रेंड्स बाहर क्लिक कर लीजिए, जाइए फीस वाला सीट पे और यहाँ से एस्केप पे क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड्स हमें जो जो डेटा इसमें से डिलीट करना है उसे कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्रेस करके हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इस वाला डेटा को और इस वाला डेटा को डिलीट करना है, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं, ताकि न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड टाइप करने के लिए सीट ब्लैंक हो जाए, मतलब जो भी सेल है ब्लैंक हो जाए। अब हम बाहर क्लिक कर लेते हैं या इस जगह पर कहीं भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं डेवलपर पे, डेवलपर पे जाने के बाद में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग हमने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर रोल नंबर वन टाइप करके एक न्यू एंट्री करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए रवि कुमार आ गया, हम यहाँ पर 500 फीस मान लीजिए रिसीव कर रहे हैं, एंटर कर लिए। अब रिसीव पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो रिसीव पे क्लिक किए यहाँ पर देखिए डेटा आ गया। फ्रेंड्स उससे पहले आपको यहाँ पर जाकर इस तरह से और एग्जाइन माइक्रो पर जाकर आपको यहाँ से रिकॉर्ड को ओके करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर डिटेल आ गया। फिर से यदि हम रोल नंबर 3 के लिए ऐड करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर 100 करते हैं और यहाँ पर रिसीव फीस पे जैसे क्लिक करते हैं देखिए 3 नंबर रोल नंबर और यहाँ से टैली 100 डिटेल आ गया। फ्रेंड्स साथ में देखिए यहाँ पर NA आ रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक और वी लुकअप से आगे लगा लेंगे इफ एरर। देखिए इफ एरर का फार्मूला लगा लेंगे और लास्ट में आके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो जो एक NA आ रहा है ये आना बंद हो जाएगा, ब्लैंक आएगा बिल्कुल। तो इफ एरर और लास्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इस तरह से आएगा। डेट आने दीजिए, डेट टिल डेट रहेगा रोज का, तो ठीक है। अब फ्रेंड्स इतना हमारा बन गया, हम कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, मतलब जैसे हम रिसीव पे क्लिक करेंगे डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप करें साथ में स्टूडेंट का बैक रिकॉर्ड भी यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर फार्मूले लगाएंगे। फ्रेंड्स अब हम रिपोर्ट वाले सेक्शन में फार्मूला लगाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लाने के लिए यहाँ पर टाइप कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए इजिकल टू सिंपल, आप इसे सेलेक्ट करके एंटर कर लीजिए
ओके। उसके बाद फ्रेंड्स सबको सिलेक्ट करके हम सेंटर में कर लेते हैं पहले, जिससे बार बार ना करने पड़े। नेम लाने के लिए आप इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लीजिए सिलेक्ट करके, इस तरह से कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिए, आ जाएगा। आप इसे लिंक करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके जो लुकअप वैल्यू है आप इसे सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, इसे लिंक हो जाएगा। टोटल रिसीव फीस कि फ्रेंड्स अभी तक टोटल कितना फीस रिसीव हुआ है, तो उसके लिए हमें सम इफ़ का फार्मूला लगाना होगा। काफ़ी इजी फार्मूला है फ्रेंड्स, पहले भी मैंने इस फार्मूले के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ओके। उसके बाद में रेंज, तो रेंज के लिए हम जाएंगे जहां पर टोटल फीस रिसीव हुआ है स्टूडेंट फीस डिटेल पे, उसके बाद में हम इसे रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कॉमा, अब आ रहा है फ्रेंड्स क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए फिर से हम जाएंगे फीस वाले सीट पे और यहाँ पर हमें इसको सिलेक्ट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को। उसके बाद में फ्रेंड्स फिर से कॉमा करेंगे, अब आ जाएगा यहाँ पर सम रेंज। तो सम रेंज पे हम जाएंगे स्टूडेंट सीट पे और हम इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर फीस रिसीव हुआ है। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए 500 फीस रिसीव हुआ है रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का 500 हुआ है। यदि इसी तरह से हम 3 नंबर रजिस्ट्रेशन टाइप करके एंटर करते हैं तो 100 फीस रिसीव हुआ है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 3 वाले को 100 हुआ है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पेंडिंग फीस का फार्मूला लगाना है, तो इसमें भी हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइप करते सेलेक्ट करते हैं बराबर सम इफ, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल पे कि टोटल फीस कितना है। पहले हम टोटल फीस लाएंगे फिर उसको माइनस कर देंगे टोटल रिसीव फीस से। तो रजिस्ट्रेशन वाले सीट पे जाते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से सम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है कॉमा। अब क्राइटेरिया पे जाते हैं, तो हम जाते हैं फीस वाले सीट पे और क्राइटेरिया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से कॉमा करते हैं और सम रेंज आ गया। सम रेंज के लिए फिर से जाएंगे हम स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन डिटेल पे और जो भी फीस है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल 1000 रुपये फीस आ रहा है थ्री नंबर रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 3 पे देखते हैं 1000 रुपये, ठीक है, और फीस हमारा 1000 है। अब 100 रुपये रिसीव हो चुका है तो यहाँ पे हमें 100 रुपये माइनस होकर आना चाहिए था। तो क्या करते हैं कि जो टोटल रिसीव फीस है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो फार्मूला है इसे पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में एस्केप प्रेस कर लेते हैं और पेंडिंग फीस वाले पे जाकर डबल क्लिक करके लास्ट में आकर माइनस टाइप करके कंट्रोल वी कर देते हैं और जो इजिकल टू टाइप है इसको हटा देते हैं। फ्रेंड्स होगा क्या कि जो टोटल फीस बना है उससे जो रिसीव फीस है वो माइनस हो जाएगा और एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 900 आने लग गया। यदि आपको इसे रुपए में शो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस कीजिए, रुपए में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट 4 कर दीजिए, रुपए में शो होने लगेगा। अब इतना हम कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस फाइल को सेव करें तो फाइल पे जाकर सेव एस करते समय और डेस्कटॉप पे सेव करते समय आप ध्यान रखें कि एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही से सेव करें, ओके कंट्रोल एस। अब फ्रेंड्स हमें टोटल मंथ निकालना है, तो टोटल मंथ निकालने से पहले इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो मंथ लाना होगा। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लाते हैं, बाद में इसे हम हाइड कर देंगे या फिर बीच में ही कहीं रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, बाद में इसे हाइड कर देंगे, मतलब वाइट कर देंगे जिससे प्रिंट वगैरह में ना आए लेकिन फार्मूला काम करे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, इजिकल टू वी लुकअप यूज़ करेंगे या फिर हम किसी वी लुकअप को कॉपी कर लेते हैं। हम इसी पे जाते हैं, इस वी लुकअप को कॉपी कर लेते हैं जो फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर आते हैं डबल क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और यहाँ पर जाकर इसका कलर ब्लैक दे देते हैं। देखिए साइज काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, बाद में साइज कम कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर स्टेशन डेट कितने में है, 1-2 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसको डबल क्लिक करके कॉलम नंबर इसको 2 कर देंगे,
और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 100 डेट में रजिस्ट्रेशन डेट कि कितने तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डेट इफ़ का, तो इजिकल टू डेट इफ़ का ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने अभी यहाँ डेट लेकर आए हैं इसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद करेंगे टाइप टुडे, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट करके क्लोज करेंगे, टुडे वैल्यू आ जाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और हमें सिर्फ मंथ लेकर आना है तो एम की वैल्यू टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी वन मंथ हुआ है कोर्स का, तो वन मंथ यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया। अब हम इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पर कलर को वाइट कर देते हैं या फिर वाइट ही रख देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं और यहाँ से इसको वैल्यू को जो सेल रो है इसको कम कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से डेटा को यदि हम डिलीट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर वैल्यू आ जाता है, तो वैल्यू ना आए इसलिए हम डबल क्लिक करके इसमें भी हम इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में आके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर रोल नंबर वन टाइप करते हैं, जैसे ही वन टाइप करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया कितना फीस पेंडिंग है, इतना रिसीव हुआ है और यहाँ पर इतना मंथ हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप लास्ट फार्मूला इसमें रह गया जो इस डेटा का है, वही फ़ोटो भी लगाना है, तो कोर्स ड्यूरेशन, तो कोर्स ड्यूरेशन कैसे आएगा, तो सिंपल है, यहाँ पर हम जाएंगे वीलुकअप वाला वैल्यू को ही किसी एक को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और इसमें आके डबल क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, नेम आ गया। हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमारा कोर्स ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करके जो 3 नंबर कॉलम है उसको हम 7 नंबर कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने महीने का कोर्स है। फ्रेंड्स हम कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पिक्चर लगाना है कि जैसे हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप करें पिक्चर आ जाएगा, तो उसके लिए चलिए हम फार्मूले को लगाएंगे, अब कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर फोटो लेकर आना है, तो फोटो लाने के लिए हम सिंपल चलते हैं रजिस्ट्रेशन वाले शीट पे, उसके बाद में यहाँ पर जाते हैं फार्मूले पे, फार्मूले पे जाने के बाद में डिफाइन नेम और यहाँ पर हम टाइप करते हैं फोटो फोटो, और उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ कोड टाइप करेंगे जैसे कि इंडेक्स मैच का, इंडेक्स का कोड लगाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा देते हैं, टाइप करते हैं इंडेक्स इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट और हम यहाँ से इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में हम टाइप करेंगे कॉमा, उसके बाद में टाइप करेंगे मैच मैच ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देना है क्राइटेरिया कि फ्रेंड्स किस हिसाब से किसके हिसाब से यहाँ पर फोटो चेंज होगा, तो हम चलते हैं फीस वाले सीट पर और सिलेक्ट कर लेते हैं इससे रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर लिए कॉमा, उसके बाद फिर से हम आएंगे रजिस्ट्रेशन वाले सीट पे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन जिसको मैच कराना है रजिस्ट्रेशन वाले सीट को जो रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा 0 राइट मैच के लिए, अब ब्रैकेट 2 टाइम क्लोज करेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट यहाँ पर 2 टाइम ओपन किया है, उसके बाद में ओके कर देंगे। अब फ्रेंड्स चलते हैं फीस वाले सीट पे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पे जाकर यहाँ से एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल को सिलेक्ट करना है ध्यान रखिएगा फोटो को नहीं, साइड में क्लिक कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, फीस वाले सीट पे जाते हैं और होम पर जाकर पेस्ट पे जाकर यहाँ से लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर जो है फोटो आ गया। अब चाहे तो आप इस एरिया को क्रॉप कर सकते हैं, जितना रखना चाहते हैं उतना आप रख लीजिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो ना रखिए, तो यहाँ से आप ज़रूरत के हिसाब से क्रॉप कर लीजिए और बाहर क्लिक कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर आ गया। फिर भी अभी रोल नंबर के हिसाब से जैसे हम 2 करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 कर लेते हैं और इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं फार्मूला बार में और इसको काट कर जो भी हम फोटो नेम दिए थे यहाँ पर फोटो, देखिए फोटो आ गया, फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए
और एंटर कर दीजिए। अब हम यहाँ पर टू रोल नंबर टाइप करते हैं, तो टू देखिए फोटो आ गया। यदि हम यहाँ पर थ्री करते हैं तो देखिए पिक्चर बदल गया, थ्री आ गया। यदि हम वन करते हैं तो वन के हिसाब से एंटर करते हैं तो वन के हिसाब से पिक्चर आ गया। तो फ्रेंड्स, जो फीस वाला शीट था लगभग लगभग बन चुका है। अब हम चलते हैं रिपोर्ट वाले शीट पे। बस हमें लास्ट रिपोर्ट शीट डिज़ाइन करना है, मतलब सिर्फ फार्मूले लगाने हैं, उसके बाद में हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर डेटा लाने के लिए चलते हैं डेवलपर पे। यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर जो भी आप देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ फाइंड, फाइंड लिख देता हूँ, उसके बाद में वर्कबुक सही है दिस वर्कबुक, और उसके बाद में ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जाते हैं सीधे फॉर्मूले वाले सेक्शन पे, डाटा पे, और डाटा पे जाकर एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा, एडवांस पे क्लिक कर लीजिए, ओके। और यहाँ पर देखिए कि रेंज है, कॉपी टू अनदर शीट को लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, लिस्ट रेंज, तो हम यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। और सबसे पहले जाएंगे स्टूडेंट फीस डिटेल पे, और इस तरह से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट रेंज आ गया। क्राइटेरिया रेंज हम इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी क्राइटेरिया रेंज है हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और कॉपी टू पे क्लिक करके, और इस तरह से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए तीन नंबर रोल नंबर थ्री का ऑटोमेटिक डेटा आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स, डेवलपर पे जाकर और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। अब हमारे थ्री नंबर का सिर्फ एक ही है रोल नंबर, अब हम रोल नंबर वन टाइप करते हैं इस पर, रिपोर्ट पर रोल नंबर वन टाइप करके एंटर करते हैं। ऑटोमेटिक नहीं आएगा क्योंकि हमने फाइंड का भी जो बटन है वो नहीं बनाया है। तो इंसर्ट पे जाते हैं और शेप, और यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं इस तरह से ऐसे, और इस पर लिख देते हैं फाइंड, सेंटर में टाइप करते हैं, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ब्लैक कर देते हैं बोल्ड। अब इसको राइट क्लिक करके एग्जाइन माइक्रो और फाइंड को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करते हैं, देखिए वन रोल नंबर का डिटेल आ गया। अब हम यहाँ पर टू थ्री करते हैं, फाइंड थ्री आ गया, टू करते हैं तो टू का आ गया, पिक्चर नहीं आ रहा, पिक्चर भी लग जाएगा इजी तरीके से। अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल फीस लेकर आना है कि जो भी हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करें तो उसका टोटल फीस बता दे, हमें मैनुअली कैलकुलेट ना करने पड़े। तो इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और लास्ट में जो वैल्यू है इसको कट करके हम यहाँ पर 1,00,000 कर देते हैं सेल मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं सेल, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं कि इतना भी रिकॉर्ड हो तो यहाँ पर प्लस करके बता दे, और एंटर कर देते हैं। तो देखिए 200 आ रहा है, ओके। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर पिक्चर लेके आना है, तो पिक्चर के लिए सिंपल वही मैथड यूज करना है जो हमारा इसमें यूज हुआ है इस वाले पिक्चर में। तो क्या करते हैं, चलते हैं रिपोर्ट वाले पे और जाते हैं फार्मूला में, उसके बाद में डिफाइन नेम मैनेजर, और यहाँ पर हम फोटो वालों को क्लिक कर लेते हैं, फोटो वाले सेक्शन को, और जो नीचे जो हम फार्मूला टाइप किए ना इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, एस्केप कर लेते हैं। अब फिर से एक न्यू क्रिएट करते हैं और इसमें फ़ोटो टू कर देते हैं, फोटो टू, और जो अभी हम कॉपी किए थे इंडेक्स को इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करके इसमें सिर्फ हम बदलना है तो क्राइटेरिया बदलना है, तो क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करके, यहाँ पर इजी स्टेप बता रहे हैं आपको, सिलेक्ट करके और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे मतलब कि हटा कर डिलीट करके इसे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे, सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं कॉपी, रिपोर्ट पे आते हैं होम, उसके बाद में पेस्ट लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं, और इसको यहाँ पर इसमें साइड में रख देते हैं, ठीक है। क्रॉप करना है तो आप इसे क्रॉप कर लीजिए जितना क्रॉप करना चाहते हैं, देखिए इस तरह से पिक्चर आ गया। अब इसे हम लिंक कर देते हैं फोटो टू के साथ में, फोटो टू को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, फोटो टू एंटर, देखिए दो रोल नंबर का आ गया, वन करेंगे फाइंड क्लिक करेंगे वन का आ गया, टू करेंगे फाइंड करेंगे टू का आ गया, थ्री टाइप करेंगे
फाइंड करेंगे, 3 का रिकॉर्ड आ गया। अब फ्रेंड्स इसको सेव कर लेते हैं, साथ में सभी को हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डेटा हम जब इस पर टाइप करेंगे रिकॉर्ड करेंगे तो सही से काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके, और इसमें हेडर है हमारा तो इसलिए माय हेडर पर चेक करके ओके कर देते हैं, ठीक है। यदि जो ऊपर से फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इसे डाटा पर जाकर फिल्टर को हटा सकते हैं, ओके। टेबल डिजाइन वगैरह भी बदल सकते हैं। अब हम जाते हैं इस पर भी और यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट करके ओके कर देते हैं, डाटा से फिल्टर बटन को हटा देते हैं। फीस की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन पे भी लगना चाहिए हेडर, तो इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल टी से टेबल में ओके कर देते हैं, डाटा पे जाकर फिल्टर हटा देते हैं, ओके कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 रोल नंबर का 150 रुपये का रिसीप्ट डाल के देखते हैं, तो रिसीप्ट डालें, देखिए अब हमारे पास 1 रोल नंबर का 150 रुपये रिसीविंग में आ गया। अब हमारा जो है यहाँ पर जैसे हम 1 रोल नंबर टाइप करेंगे, देखिए 650 शो करने लग गया, पहले सिर्फ 500 शो कर रहा था, 650 रिसीव हुआ है, इधर भी चेक कर सकते हैं, तो 500 प्लस 150। रिपोर्ट पे जाते हैं और 1 रोल नंबर टाइप करके फाइंड करते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। 2 टाइप करके फाइंड करते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 टाइप करके फाइंड करते हैं जैसे 1, तो 1 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें एक ही डेटा आ रहा है, नेक्स्ट डेटा नहीं आ रहा है, तो हमें इसके फार्मूले में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। तो फार्मूले में चेंजेस करने के लिए आप चाहे तो डेवलपर पे जाकर, विजुअल बेसिक पे जाकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल 2 है, तो जो E4 है एडवांस फिल्टर, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, 1 लाख कर लीजिए या 10 लाख कर लीजिए, तो मैं 10 लाख करके इसे फाइल पे जाकर सेव कर देता हूँ, ओके। आप ये फार्मूला लगाते समय भी बदल सकते थे, मेरे ध्यान से निकल गया, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर 1 रोल नंबर टाइप करके फाइंड पे करते हैं, देखिए आ गया। अगर 2 रोल नंबर करते हैं तो आ जाएगा। अब फिर से हम एक डेटा रिकॉर्ड करते हैं फीस पे जाकर, 3 रोल नंबर का 100 है तो 700 रिकॉर्ड करते हैं, रिसीप्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर 3 रोल नंबर टाइप करते हैं, देखिए 800 आ गया। अब रिपोर्ट पे जाकर हम 3 टाइप करके यहाँ से फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो देखिए 2 डेटा यहाँ पर शो कर गया। तो फ्रेंड्स ये सीट लगभग कंप्लीट बन चुका है। यदि सीट में आपको इस सीट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या फिर कहीं पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, आने वाले वीडियो में उसको मेंशन करूँगा। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो एक न्यू वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। यदि हमारे चैनल को अभी तक तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।